फरनेस इकाई की भट्ठी में हादसा वापरे। हादसे में 10 करीब मजदूर जख्मी हुए ने। 6 मजदूरों की हालत काफ़ी गंभीर दसी जा रही है। चंडीगढ़ के सैक्टर 32 के इन मजदूरों को दाखिल करवा दिया गया सिविल हस्पताल दे विच, जबकि 4 मजदूरों का इलाज चल रहा है। सो तस्वीर तुम देख सकते हो कि जख्मी हालत दे विच इन मजदूरों को हस्पताल दे विच भर्ती करवाया गया है। मंडी गोबिंदगढ़ की फरनेस इकाई की भट्ठी दे विच यह हादसा वापरिया है। सो मात्रा लैके यह हादसा वापरिया कि जिनी मात्रा इस भट्ठी दे विच मटीरियल की पाई जानी सी उस तो ज़्यादा मात्रा मजदूरों वालों पा दी गई तो फिर हादसा वापर गया। 10 मजदूर ने वह जख्मी हुए ने। 6 की हालत है वो काफ़ी गंभीर है। हादसे दी तस्वीर तुम देख सकते हो कि किस तरह जो भट्ठी के मटीरियल पाया जा रहा है तो फिर एक्शन तो रिएक्शन किस तरह हुआ। हरप्रीत सिंह साढ़े पत्रकार साढ़े नाल जुड़ चुके ने। हरप्रीत असी देख रहे हैं कि 10 मजदूर जोड़े गंभीर जख्मी ने, होर हालत की है, डॉक्टर्स की कह रहे हैं? देखो मेरे अच्छे मुझे ना गल हुई सुने घंटा पहला कहते थे चार जिहड़े सी जिन्हां गंभीर चोटा नहीं सीगियां उन्होंने तो असीं मुढ़ली सहायता करके घर भेजता गया। दो जिहड़े सी सीरियस नहीं उन्होंने वो भी उन्होंने हालत भी यह नहीं हैगी ज्यादा खराब हो ठीक ने। एस एम ओ साहब ने भी यहाँ भी मतलब एक छुट्टी दे दी जाऊगी जी। जी हरप्रीत, इस तरह के कई हादसे पहले ही वापर चुके ने तो इन्हों हादसों से नकेल किस तरह कसीए, क्योंकि इन अणगहली नहीं कहा जा सकता, हादसा कहा जा सकता है, नॉलेज की घाट कहा जा सकता है? हाँ जी साड़ी ना डायरेक्टर जो डायरेक्टर ने मारो ना गल हुई थी वो कहते भी वोल्टेज के कारण वोल्ट एकदम ज्यादा आ गई करके भट्ठी जी उबाला मार गई। हूँ ये उन्होंने पता है जब टैक्निकली जो गल होगी टैक्निकली जो गलबात होगी जो कोई इंक्वायरी बैठूगी पता लगेगा कि वाकई उन्होंने गल सही है कि कोई होर कारण है। बिल्कुल, ये टैक्निकली जांच का विषय। हरप्रीत बहुत बहुत धन्यवाद सानू जानकारी देने के लिए। सो तस्वीर मंडी गोबिंदगढ़ दियां ने। 10 दे करीब जिहड़े मजदूर वह जख्मी से वख-वख हस्पतालों विच इन्हां दा इलाज चल रहा है। सो टैक्निकल विषय के भट्ठी दे विच जदों मटीरियल पाया जा रहा सी तां उस मटीरियल तो बाद किस तरह उसका एक्शन तो रिएक्शन होया तो फिर 10 दी गिणती दे विच मजदूर दसे जा रहे ने जो जख्मी ने।